जीरा पाउडर का अगर किसी को होलसेल बिजनेस करना है, अगर आप चाहता रिटेल में काम करना चाहता तो रिटेल में कर सकता है, B2C करना है B2C कर सकता है, B2B करना है तो B2B कर सकता है। दोनों डिटेल्स में हम इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये देख रहे हो वीडियो में किस तरीके से या घर पे ही माल तैयार करके इस तरीके से पैकिंग करके मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो गया ये। अब प्रोडक्ट ये कहाँ से पैकिंग कैसे करना है, कहाँ से ये लाएंगे, किस तरीके से क्या होगा, पूरे वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आपको पैकिंग करना है और किस तरीके से पैकिंग नहीं करना है, पूरा जानकारी बताऊंगा कि आप इसी वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले बता दें, बहुत मार्केट में इसकी डिमांडेड होती है और सबसे पहले मार्केट को सर्च करेंगे और डिस्कस करेंगे। और इसको दोनों तरीके से बेच सकते हो, आप चाहो तो ऑनलाइन भी बेचो चाहे ऑफलाइन बेचो, दोनों तरीके से आप इसको बेच सकते हो। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ। सबसे पहले डिस्कस करने के लिए क्या होता है कि आपका मनी सेट करना है, मनी के बाद फिर ऑर्डर करना है कि हमें माल कहाँ से लेना है, किधर से लेना है। चलिए मैं आपको माल बता देता हूँ। ये रहा प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट, जहाँ पर ये होलसेल रेट पे मिलेगा आपको। ये ऑलरेडी आपको ये जीरा जो रहता है, और जो जीरा है ऑलरेडी पिसा ही हुआ मिलेगा, इसका चूड़ मिल जाएगा आपको, जो पाउडर होता है वो ऑलरेडी इंडिया मार्ट पे अवेलेबल है, वो भी कम प्राइस पे मिलता है और आप अच्छा खासा वहाँ से पैसे छाप सकते हैं। तो समझ सकते हो कितने रुपए किलो है, हमने ऑलरेडी खोल रखा है, 200 रुपया किलो बेच रहे हैं, 290 रुपया किलो बेच रहे हैं। आप समझ सकते हो 290 रुपया किलो बेच रहे हैं, आप समझो। अब मार्केट में आप छोटे छोटे पाउच बना के, आप मान चलिए आप 20 ग्राम का है, 10 ग्राम का, 25 ग्राम का, 30 ग्राम का, नहीं 50 ग्राम का, फिर 100 ग्राम का, जैसे 10 ग्राम, 25 ग्राम, 20 ग्राम, फिर 50 ग्राम, फिर 100 ग्राम का, फिर 200 ग्राम का, फिर 300 ग्राम का, फिर 500 ग्राम का, फिर 1 kg का, ऐसे करके आप पाउजिंग वगैरह बना सकते हैं। तो देख रहे हो कि 190 रुपये किलो भी बेच रहे हैं, अलग अलग हैं, इसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर सब मिलेंगे आपको। थोड़ा ध्यान देना है कि आपको ये सारे चीज़ का है ना, तो देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आपको इसमें B2C काम करते हैं, जो एक प्रोडक्ट्स भी सेल करने के लिए रेडी हैं, 190 रुपये किलो दे रहे हैं, अलग अलग प्राइस रखे हैं, सारे होलसेलर ने होते हैं, ये सारे होलसेलर्स होते हैं, तो अपने अपने प्राइस रखते हैं, कोई लोग बार्गेनिंग करते हैं, कोई लोग बार्गेनिंग नहीं करते हैं। तो समझ सकते हो आपको बार्गेनिंग करना ही करना है। जैसे 120 रुपये kg दे रहा है, ये आपको उसको क्या बोलना है कि 120 रुपये मुझे नहीं, आप 100 kg दे दिए, 100 रुपये kg, फिर मैं आपको बताएंगे कि हम आपको जो ऑर्डर्स हैं हम मिनिमम छोटा सा ऑर्डर देंगे। अभी आपको स्टार्टिंग में ये पता चलाएंगे आपके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या है बढ़िया है रहेगा, तो हम आपको मिनिमम इनके यहाँ से ज़्यादा नहीं, आप 30 kg आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। 30 किलो उन्होंने बोला है कि 30 किलो तक आप इसको, 30 किलो की इनकी पैकेजिंग वगैरह होती है, 30 किलो की एक पैकेजिंग ऑर्डर कर सकते हो अब। मतलब 30 किलो अगर आप करते हो तो मिनिमम आप समझ सकते हो कि 3000 का ऑर्डर हो गया, 3-3500 रुपये का ऑर्डर हो जाता है। तो 3500 रुपये लगा के आप मान चलिए आप अच्छा खासा 3500 रुपये में कितना प्रॉफिट करेंगे आप खुद ही नहीं पता होगा। इस तरीके से बहुत सारे जार्स होते हैं, कहाँ से इस तरीके भरना है बोतल में, अगर आप ट्रांसपेरेंट पाउच में भरना चाहते हो, अपनी लेबलिंग लगाना चाहते हो, तो इसमें सारा चीज़ अवेलेबल है, देख सकते हो। ये देखो, ये बहुत सारे इस तरीके से उन्होंने पैकेजिंग वगैरह कर रखी है, तो पैकेजिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छी तरह प्लेटफॉर्म इसी पे आपको मिल जाता है, जार वगैरह भी अगर आप चाहो तो जार वगैरह भी मिल जाएंगे। चलिए मैं ऑनलाइन बता देता हूँ ऑनलाइन लोग क्या रुपये बेच रहे यही चीज़। तो समझ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई बेच रहा है 132 रुपये किलो है, सॉरी 32 रुपये का 50 ग्राम है, अलग अलग रेट है, वो तो पैकेजिंग के ऊपर है, डिपेंड नहीं करता है कि आपके अंदर प्रोडक्ट में क्या है। प्रोडक्ट तो अच्छा ही होता है, सारा चीज़ मेंशन ही एक ही चीज़ होती है, पिसे हुए में कोई पता नहीं कर सकता क्या ब्रांड है क्या नहीं है। ये ऑनलाइन में बहुत ही ज़्यादा रे होता है कि हमें जो प्राइस देख रहे हैं, तो ये अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है वगैरह, ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो बेच रहे हैं, जियो मार्ट वगैरह हैं, ब्लैंकेट वगैरह, ये सारे प्लेटफॉर्म पे जाके ये बहुत सारे हमारे जो सेलर्स जैसे होते हैं छोटे मोटे, वो भी फ्री में रजिस्टर करते हैं, मीशो पे भी बेच रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके इसके ऑर्डर्स आते हैं। मान चलिए आपने ये जार भरा ओनली, उसमें जार भरने की कॉस्ट आई सिर्फ ओनली 20 रुपये, और बेचते हैं 150 रुपये का, इतना प्रॉफिट होता है समझ सकते हो। तो 100 ग्राम का उन्होंने भरा, 100 ग्राम का क्या किया, 100 ग्राम का 20 रुपये का टोटल, 20-25 रुपये का मतलब आपका ये प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट खर्चा होगा, और जब बेचेंगे तो आपका डिलीवरी चार्ज मिनिमम समझ लीजिए 30 रुपये लगते हैं, तो 60, तो मिनिमम अगर आप 150 रुपये का अगर आप बेचते हैं
तो कितना प्रॉफिट होगा, 100 रुपये से आपका एक्स्ट्रा होता है, तो समझ सकते हो इस तरीके का प्रॉफिट होता है। चलिए मैं बताता हूँ, अगर आप लोकल मार्केट में अगर आप सेल करना चाहते हो, अपनी सिटी के अंदर सेल करना है, तो आप अपनी सिटी के अंदर भी सेल कर सकते हो। यहाँ पर लिखना है अपने गूगल मैप पे जाके, आप चाहे किसी भी सिटी हो, चाहे कस्बे में रहते हो या बिग सिटी में रहते हो, मैं चाहता हूँ कि आप बड़ी सिटी में एटलीस्ट काम करें, गाँव कस्बे में इतना आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपका छोटा मोटा प्रोडक्ट चलेगा, 10 ग्राम 20 ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ सर्च करेंगे ऑल सिटीज़, आप लिख सकते हो, कोई भी सिटी लिखते हो, अहमदाबाद या कोई भी, अगर कहीं भी रहते हो तो वो भी लिख सकते हो। तो मैंने देखो सोनू राजपूत किराना स्टोर करके हैं, ये कानपुर के हैं, ये ऑलरेडी मैंने ऑल मैंने देखा इनका एड्रेस वगैरह सब कुछ है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब मिल जाता है, ये क्या क्या अपनी शॉप में बेचते हैं, क्या क्या बेचते हैं, हमारा प्रोडक्ट इनके यहाँ चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो लिस्ट बना सकते हो इनकी। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, उनके नाम नंबर कॉन्टैक्ट्स वगैरह एक कॉपी में उतार के, फिर बाहर चाहो तो ग्रुप भी बना सकते हो, तो ग्रुप बना के भी ये बिज़नेस कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं जिसमें आप ग्रुप बना के बाद फिर क्या करना है, आप देख सकते हो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, फिर उनको बताना है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, मैं मैन्युफैक्चरर्स हूँ, और मैन्युफैक्चरर में ये डालना कि आपकी पर्टिकुलर जिस सिटी में अगर आप काम कर रहे हैं उस सिटी में आप चाहो तो वहाँ पर आप रेंट पे कुछ छोटा मोटा रेंट पे कमरा ले सकते हो, इसमें शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, कोई लाइसेंस भी नहीं लेना है आपको कुछ ही चीज़ करें। जब तक आपका 20 लाख का टर्नओवर महीने का ना होने लगे तब तक आपको GST ना ही आपको फूड लाइसेंस लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। तो इस तरीके से आपने पैकेजिंग वगैरह खुद से करना है, खुद से अपनी सारा चीज़ करना है, और 20x20 के चाहे 10x10 के कमरे से स्टार्ट हो जाएगा, शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपकी डिग्री कोई उसकी ज़रूरत है, ऐसे ही आप स्टार्ट कर सकते हो। जब आपका प्रोडक्ट बहुत मार्केट में डिमांडेड हो जाए तो आप इसको बाद अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें आपको पैकेजिंग वगैरह कहाँ से मिलेगी। ये बल्क में मिलता है, ये ऑर्डर्स कैसा रहता है, इसमें आप छोटे छोटे पाउच भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट पाउच, जिसको 1 kg में चाहिए 200 kg में चाहिए, ऐसे आपको पाउच मिल जाएंगे, ब्रांडेड पाउच मिल जाएंगे, और वो भी लिखे हुए मिल जाएंगे, नाम लिखा होगा उसमें, जीरा पाउडर लिखा होगा उसमें, आप भरेंगे इस तरीके से, ट्रांसफार्मर रहेगा और ब्रांडेड रहेगा, आप चाहो जो ऑनलाइन सेल करो चाहे ऑफलाइन सेल करो, अपनी लेबलिंग करो, अपनी ब्रांडिंग करो और ऑन द स्पॉट सेल करो, और अच्छा खासा प्रॉफिट छापेंगे हम। तो जो भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि हमें ये चीज़ वीडियो में छूट गया है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करके दे दूंगा कि आपको क्या नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बिज़नेस की जानकारी जाना चाहते हो, कि आप यहाँ तक अगर आए हो तो बहुत ही सोच के आए हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस वीडियो की जानकारी इस बिज़नेस के बारे में चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी बिज़नेस के रिगार्डिंग लेके आऊँगा, जिस बिज़नेस के बारे में अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे मैं आपको तभी बता दूंगा कि कैसे वो बिज़नेस करना है, कैसे नहीं करना है, पूरी जानकारी बता दूंगा। चलिए गाइस, हमारा वीडियो आपने देखा बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सपोर्टेबल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाने वाले